अब्दाली ग्रामर स्कूल उर्दू जमात दोइम खाने पीने के आदाब सबक नंबर 13 सबक के अहम निकात नंबर 1 खाना खाने या कोई अच्छा काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर 2 बर्तन में अपने सामने से खाना खाना चाहिए। नंबर 3 पानी बैठकर गिलास दाएं हाथ में पकड़कर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 सांसों में पीना चाहिए। मुश्किल अल्फाज को दोहराएं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब अच्छा काम इधर उधर शुरू बरकत अच्छी अच्छी कामों इस्तेमाल जरूर कम से कम गिलास ज्यादा बर्तन जिंदगी हाथ मारने फुर्ती ताकीद लेट कर दाहिने हाथ ऐब आदाब फल के दाने उठाने ताकत पहले धो लेना बजाए खजूर हाथों सफाई लुक्मे लुक्मा खराब 3 सांसों अंगूर बसर टेक अल्हम्दुलिल्लाह इंसान बाद मैदा तरीका ख्याल बीमार थाम सुन्नत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब जिंदगी बसर करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इन बातों को आदाब कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अच्छी बातें बताई हैं उन्हें क्या कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब जिंदगी बसर करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इन बातों को आदाब कहते हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। सफाई का ख्याल ना रखें तो क्या होता है? सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। खाना खाने या कोई भी
अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करने से खाने में बरकत होती है। खाना खाने से पहले या कोई अच्छा काम करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? खाना खाने या कोई भी अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करने से खाने में बरकत होती है। खाना दाहिने हाथ से खाना चाहिए। खाना किस हाथ से खाना चाहिए? खाना दाहिने हाथ से खाना चाहिए। और छोटे छोटे लुक में उठाने चाहिए। खाने के लिए कैसे लुक में उठाने चाहिए? छोटे छोटे लुक में उठाने चाहिए। इस्लाम ने ज्यादा कामों के लिए दाएं हाथ के इस्तेमाल की ताकीद की है। इसकी वजह ये है के दाएं हाथ में ज्यादा फुर्ती और ताकत होती है। इस्लाम ने ज्यादा कामों के लिए किस हाथ का इस्तेमाल करने की ताकीद की है और इसकी क्या वजह है? इस्लाम ने ज्यादा कामों के लिए दाएं हाथ के इस्तेमाल की ताकीद की है और इसकी वजह यह है कि दाएं हाथ में ज्यादा फुर्ती और ताकत होती है। खाना खाते हुए बर्तन में इधर उधर हाथ मारने की बजाय आगे से लुकमा उठाना चाहिए। खाना खाते हुए लुकमा कहां से उठाना चाहिए? खाना खाते हुए बर्तन में इधर उधर हाथ मारने की बजाय आगे से लुकमा उठाना चाहिए। खजूर, अंगूर या ऐसे ही किसी फल के दाने एक साथ दो दो नहीं खाने चाहिए। किन फलों के दाने एक साथ नहीं खाने चाहिए? खजूर, अंगूर या ऐसे ही किसी फल के दाने एक साथ दो दो नहीं खाने चाहिए। टेक लगाकर या लेटकर खाना कोई अच्छी बात नहीं, इससे मैदा खराब हो जाता है। टेक लगाकर या लेटकर खाना खाने का क्या नुकसान होता है? टेक लगाकर या लेटकर खाना कोई अच्छी बात नहीं, इससे मैदा खराब हो जाता है। खाने में कोई ऐब भी नहीं निकालना चाहिए।
अज कम एक गिलास पानी जरूर पी लेना चाहिए। जरूरत हो तो खाने के दौरान भी पानी पिया जा सकता है। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते हुए पानी कैसे पीना चाहिए? खाना खाने से पहले कम अज कम एक गिलास पानी जरूर पी लेना चाहिए। जरूरत हो तो खाने के दौरान भी पानी पिया जा सकता है। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने के तरीके। नंबर एक, पानी बैठकर पीना चाहिए। नंबर दो, दाएं हाथ में गिलास थाम कर पानी पिए। नंबर तीन, गौर से देखने के बाद पानी पिए कि उसमें कुछ पड़ा हुआ ना हो। नंबर चार, पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पिए। नंबर पांच, पानी तीन सांसों में पिए। नंबर छह, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ें। खाने पीने का ये वो तरीका है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और इन पर खुद भी अमल किया है। ऐसे तरीकों को सुन्नत कहते हैं। खाना खाने का ये तरीका हमें किसने सिखाया और इस तरीके को क्या कहते हैं? खाने पीने का ये वो तरीका है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और इन पर खुद भी अमल किया है। ऐसे तरीकों को सुन्नत कहते हैं।